नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों बहुत ही ईजी है और आप भी आराम से कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीडी चाहिए। सीडी नहीं है तो आप पेनड्राइव में किसी के कंप्यूटर से उठा सकते हैं, सेटअप पड़े होते हैं आजकल तो वहाँ से आप डाल सकते हैं। ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है और पायरेटेड पायरेटेड ही होता है। तो दोस्तों पायरेटेड से आपके सारे काम हो जाते हैं मगर अपडेट नहीं लेता है वो, और ओरिजिनल जो है अपडेट लेता है और उसमें प्रॉब्लम काफ़ी कम आती है। तो पायरेटेड ज़्यादातर जो लोग डालते हैं नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास सीडी है तो सीडी चाहिए या तो पेन ड्राइव तो पेन ड्राइव। तो मैंने ये पेन ड्राइव है इसके अंदर डाल रखा है। तो मैंने क्या किया कि राइट क्लिक करके इसको ओपन कर दिया। इसके बाद मेरे पास ऑफिस 10 भी है और 7 भी है, जो फुल वर्जन है वो मेरे पास 7 है। तो मैंने राइट क्लिक करके ऑफिस 7 को ओपन कर दिया। इसके बाद मैं इसके नीचे चला गया, ये सेटअप फाइल है, तो शायद ये नहीं दिख रही, ये जो है सेटअप फाइल है, इसको मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये ओपन कर दिया। अब यस कर दिया, अब इसको मिनिमाइज कर देना है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि इसके अंदर कोड डालो, तो कोड कहाँ से डालेंगे, कोड भी इसी के अंदर होता है। तो जैसे हमने ये सेटअप था इसके ऊपर आपको क्रैक दिख रहा है, तो क्रैक को हमने ओपन कर दिया। इसके बाद हमने इसको ऐसे, तो इसको हमने कर दिया कॉपी और इसको क्लोज कर दिया। अब इसको भी हम क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया और इसके बाद हमने साइड में आपको नेक्स्ट दिख रहा है कंटिन्यू, तो हमने इसके ऊपर टिक कर दिया और फिर हमने इधर कर दिया आई एक्सेप्ट, इसको टिक कर दिया, फिर कंटिन्यू कर दिया। इधर साइड में कंटिन्यू आ रहा है तो ये हमने टिक कर दिया कंटिन्यू पर, और इंस्टॉल नो इसके ऊपर टिक करना है इंस्टॉल नो। तो दोस्तों आज आप लोग सीख रहे थे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे डालते हैं। ये 2007 है, इसको ऐसे इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। अब आपने 5 मिनट या 3 मिनट वेट करना है, जब तक ये कंप्लीट ना फिनिश करोगे उसके बाद ही आप इसको खोलोगे, तो तब तक आपने वेट करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कंप्लीट हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा डल गया है। तो 2 या 3 या 5 मिनट लेता है, तो इसके बाद हमने इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। हमने क्लोज कर दिया, अब इसको हम ढूंढेंगे कहाँ पर। अब हम जाएंगे स्टार्ट के ऊपर, तो ढूंढने के लिए इसको स्टार्ट के ऊपर जाना पड़ता है। स्टार्ट पर जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में, ये ऑल प्रोग्राम है, इसके अंदर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके ऊपर जाना है। इसके नीचे है, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट आप वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर पावर पॉइंट है, एक्सेल है, तो ऊपर जिसके ऊपर आपने टिक करना है उसी के ऊपर आएगा। तो हमने वर्ड को खोला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 7 खुल रहा है, तो ये खुल गया है। अब इसको जैसे ये मैसेज आ गया, आपने ये विंडो ऑफिस डाल दिया और इसमें ये मैसेज आ गया, आप देख रहे हैं। तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको हमने नेक्स्ट कर देना है और हमने नीचे टिक करना है आई डोंट वांट टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट अपडेट, हम अपडेट नहीं चाहते हैं, और फिनिश। तो दोस्तों बस इतना सा काम होता है, ऐसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालते हैं और ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो और इसमें आपने ये भी सीखा कि हम कैसे इसको ढूंढते हैं, और इसको हमने क्लोज़ कर दिया। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, साथ में कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपकी हेल्प के लिए बनाता हूँ, ना कि अपनी हेल्प के लिए। तो दोस्तों जिन लोगों को अगर जिनके पास ये ऑफिस 7 नहीं है और वो डाउनलोड करना चाहते हैं 2007, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक है, ना कि आपको एक छोटा सा लिंक होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।